नमस्कार, मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की एक रिपोर्ट। आज मुंबई आजाद मैदान में NRCCA को लेकर हर धर्म के लोगों ने लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान धार्मिक राष्ट्रवाद को नकारता है। हमारा देश और हमारी देश की नागरिकता पहली बार हमारे CAA कानून 2019 ने धर्म और मजहब की लकीर खींचने का काम किया है और इसीलिए हम उसको नकारते हैं। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो संविधान के खिलाफ हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आप और हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, ये दस्तावेज का खेल क्या है? बहुत हमारे साथी बोलने वाले हैं, मैं चंद बातें कहूंगी। ये दस्तावेज और पुरावा का खेल क्या है आप समझ लीजिए। आज हमारे देश में 134 करोड़ की आबादी में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास जन्म पत्रिका है? UN कहता है कि सिर्फ 58% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आप LIC की बात करते हैं, LIC तो अमीरों का खेल होता है, सिर्फ 25% लोगों के पास LIC की पॉलिसी है। अरुण जेटली जो हमारे पूर्व मंत्री थे, उन्होंने संसद में कहा कि 134 करोड़ लोग की आबादी में से सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास अपने घर अपने नाम से हैं, तो कागजात कहाँ से कौन लाने वाले हैं, कौन कागजात पेश करेंगे? हमारे समाज में दंगे भी होते हैं, जनसहार भी होता है, सैलाब भी आता है। ये सब लोग जब एक जगह से दूसरे जगह अपने घर छोड़ के जाते हैं तो सबसे पहले कागज खोते हैं, वो लोग कागज कहाँ से लाएंगे? इसीलिए ये जो कागज का खेल है, ये कागज दिखाने का जो खेल है, ये जो माता पिता के जन्म स्थल या जन्म तारीख देने का जो खेल है, वो सिर्फ आप और हमको कटघरे में खड़ा करके जमीन को लूटने की साजिश है, जमीनों की लूटने की साजिश है कि हमारे शहरों में जो पक्के घर में नहीं रहते, हमारे बंबई शहर में 55% से ज्यादा लोग कच्चे घर में रहते हैं। कि आप सबके घर लूट लेंगे, कि आप पूरे जमीन लूट लेंगे? हमारे देश में प्रवासी कामगार है, हमारे देश में असंगठित कामगार है। आपने बनाया है निशान मुसलमान को CAA से बाहर रखकर, मगर जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो पूरी आबादी इसमें फंसने वाली है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ हमारे बहुजन भाई बहनों को, हमारे दलित OBC भाई बहनों को, जो यहाँ पे उपस्थित रह के उन्होंने एकता दिखाई है कि ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो हिंदू बना मुसलमान नाम से नहीं लड़ी जाएगी, वो एक होकर लड़ी जाएगी। हमारे फादर फ्रेजर ने कहा, क्रिश्चियन भी नुमाइंदगी है, सिख भाई बहन भी हमारे साथ हैं। ये देश की जनता दिल और दिमाग का विभाजन बंटवारा नहीं चाहती। एक बार हमारे बीच में विभाजन बंटवारा हो गया है, अफसोस की बात है। वो विभाजन बंटवारे के कारण आप साले मुसलमान भाई बहनों का वफादारी की इम्तिहान बार बार नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। और हम एक साथ में मिलके ये कहेंगे, ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे, बहन महिलाओं के साथ लड़ेंगे। साहू महाराज, शिवाजी, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबाई फुले के नाम लेकर लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।